हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे हमें डिस्कस करबा मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड केते गुड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तठारे हमें मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ी को ही डिस्कस करबा जहाँ कि कौनसी ना कौनसी एग्जाम रे आसी सारी। आउ यार पीडीएफ टी आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रु डाउनलोड करेंगे। तो यार समस्त क्लास रो पीडीएफ गुड़ी को अपलोड कर दिया जाए। तो आपण फाइल सेक्शन को जाई समस्त पीडीएफ गुड़ी को डाउनलोड करें। तो यार लिंक टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाए। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करछंती तबे निश्चय सब्सक्राइब कर देबे। देखंतु क्वेश्चन नंबर 1, द पोर्तुगीज एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हिच प्लेस इन इंडिया। तबे पोर्तुगीज माने तंकर फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया रो केउ स्थान रे एस्टाब्लिश करथिले। तो से माने तंकर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले कोचिन रे। तो ऑप्शन 2 हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो कोचिन रे पोर्तुगीज माने तंकर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हिच प्लेस इन 1613। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तंकर फर्स्ट फैक्ट्री क्यों स्थान रे सेट अप करथिले आउ केबे करथिले? तो 1613 मसीहा रे। तो से माने तंकर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले सूरत ठरे। ऑप्शन 1 हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 मसीहा रे सूरत थारे तंकर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले। आउ एहा केबे होइतिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होइतिला? तो एहा होइतिला 1600 मसीहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा इन 1633। तेबे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तंकर फर्स्ट फैक्ट्री ओडिशा रो केउ स्थान रे एस्टाब्लिश करथिले आउ केबे करथिले? 1633 मसीहा रे। तो सेही स्थानटी होची हरिहरपुर। तो यह केउठार रहिची? तो यह रहिची बालेश्वर रे। तेबे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा रो बालेश्वर रे तंकर फर्स्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले। तो बालेश्वर रो हरिहरपुर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुईस 14। तेबे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बा फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी तार फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया रे केबे एस्टाब्लिश करथिला? तो कहा समय रे? लुईस 14 को समय रे, माने चतुर्दश लुई मध्य कहा जाए। तो केबे एस्टाब्लिश होइतिला? तो 1664 रे। तो 1664 मसीहा रे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी इन 1923 चित्तरंजन दास एलोंग विथ मोतीलाल नेहरू फॉर्म डेस। तेबे 1 जनवरी 1923 मसीहा रे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कौन गठन करथिले? तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए, द स्वराज पार्टी। तेबे 1923 मसीहा जनवरी 1 तारिख रे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी गठन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज आज इट्स गोल। तेबे क्यों सेशन रे कांग्रेस डिक्लेयर करथिला कंप्लीट इंडिपेंडेंस बा पूर्ण स्वराज? तो यह लाहौर अधिवेशन रे जाकि 1929 रे होइथिला। तो ऑप्शन बी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। लाहौर सेशन हेल्ड इन 1923। तेबे 1929 मसीहार लाहौर सेशन रे कांग्रेस डिक्लेयर करथिला पूर्ण स्वराज आउ यह किए कहिथिले? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस? तेबे केबे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेट करा जायथिला इंडिपेंडेंट पूर्वरु? तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट 26 जनवरी 1930 रे सेलिब्रेट करा जायथिला। तेबे 26 जनवरी 1930 मसीहा रे इंडिया रो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जायथिला अनऑफिशियली।
नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स वाज हेल्ड इन द ईयर डैश तेब फास्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स बा प्रथम गोल टेबुल बैठक केबे होइतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची 1913 12 नवंबर तो ऑप्शन ए होजु बैठरे करेक्ट आंसर तो प्रथम गोल टेबुल बैठक केबे होइतिला तो 12 नवंबर 1930 मसीहारे आउ यह केउठारे होइतिला तो यह होइतिला लंडन रे तो सेपरि देखंतु ऑप्शन सी रे दिछि 1931 7 सेप्टेम्बर तेबे 7 सेप्टेम्बर 1931 मसीहारे सेकंड राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला तेबे 1931 मसीहा सेप्टेम्बर 7 रे सेकंड राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला तपरे नेक्स्ट देखंतु ऑप्शन डी रे दिछि 1932 17 नवंबर तेबे 1932 मसीहा नवंबर 17 तारिख रे थर्ड राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला एवं यह मध्य लंडन रे होइतिला तेबे फर्स्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला 1912 नवंबर तो 1930 मसीहा नवंबर 12 रे फर्स्ट राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला आ 1931 7 सेप्टेम्बर रे सेकंड राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला आ 1932 17 नवंबर रे थर्ड राउंड टेबल कन्फरेन्स होइतिला नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932 तेबे 1932 मसीहारे किए फाउंड करथिले ऑल इंडिया हरिजन समाज तो यार करेक्ट आंसर टी होची महात्मा गांधी तेबे महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन समाज फाउंड करथिले आउ से केबे करथिले 1932 रे नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट द गीता इनटू इंग्लिश तेबे गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिबा फर्स्ट पर्सन किए थिले तो से होचंती चार्ल्स विल्किंस तो ऑप्शन टू हो जुबा ठरे करेक्ट आंसर तेबे चार्ल्स विल्किंस होचंती फर्स्ट पर्सन जी की गीता को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल ऑल्सो कॉल्ड जमींदार सिस्टम तेबे क्यों गवर्नर जनरल बंगाल रे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करथिले जहाँ को जमींदार सिस्टम मध्य कहा जाए तो परमानेंट सेटलमेंट माने चिरस्थायी बंदोबस्त तो यह क्यों गवर्नर जनरल करथिले तो से होचंती लॉर्ड कॉर्नवालिस तो ऑप्शन वन हो जाए करेक्ट आंसर तेबे कॉर्नवालिस बंगाल रे परमानेंट सेटलमेंट बा चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले आउ यहाँ को कौन कह जाए थे तो यह जमींदार सिस्टम मध्य कह जाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस तेबे क्यों गवर्नर जनरल पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को एडॉप्ट करथिले तो सब्सिडरी अलायंस माने कौन तो सामंत संधि मध्य कह जाए थे तो यह क्यों गवर्नर जनरल करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड वेलेसली तबे लॉर्ड वेलेसली जे कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के अडॉप्ट करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थिले तो इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल होचंती विलियम बेंटिक तो इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए तो से होचंती विलियम बेंटिक तो से परि बंगाल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थिले तो से थिले वॉरेन हेस्टिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सती प्रैक्टिस वाज बैंड इन 1829 तेबे सती प्रैक्टिस केबे बैंड होइतिला तो 1829 मसीहारे तो क्यों गवर्नर जनरल को समय रे होइतिला तो क्यों गवर्नर जनरल को समय रे सती प्रथा को उच्छेद करा जाइतिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची विलियम बेंटिक तो विलियम बेंटिक को समय रे सती प्रथा को उच्छेद करा जाइतिला आ यह केबे होइतिला 1829 मसीहारे
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तेबे कंट्री रे हायर एजुकेशन रो मीडियम कहाँ को करा जाय थिला, तो इंग्लिश को क्यों गवर्नर जनरल करी थिले, तो हायर एजुकेशन रो मीडियम इंग्लिश भाबरे क्यों गवर्नर जनरल करी थिले, तो से गवर्नर जनरल होचंती विलियम बेंटिक। तेबे विलियम बेंटिक कंट्री रे इंग्लिश को हायर एजुकेशन रो मीडियम करी थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तेबे क्यों गवर्नर फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टार्ट करथिले केबे 1853 मसीह रे, आ ओहे क्यों ठारु क्यों पर्यंत चली थिला, तो बॉम्बे ठारु थाने पर्यंत, तो से गवर्नर जनरल होउछंती लॉर्ड डेलहाउसी। तेबे लॉर्ड डेलहाउसी प्रथमे इंडिया रे रेल चलाचल आरंभ करथिले, तो यह केबे करथिले 1853 मसीह रे, एवं यह बॉम्बे ठारु थाने पर्यंत होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तेबे क्यों गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस करथिले, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट माने राजस्वत्व लोप नीति। तो यही नीति अनुसार, तो जड़े राजा जदि उत्तराधिकारी नथिबो तेबे तांकर संपत्ति कंपनी हाथ को चली जाए, तो यह कहुए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तेबे यह क्यों गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस करथिले, तेबे यह इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी। तेबे लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर विडो रिमैरिज एक्ट वाज लीगलाइज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तेबे क्यों वर्ष ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उद्यम रे विडो रिमैरिज एक्ट लीगलाइज होइथिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होची 1856 मसीह, तो ऑप्शन टू होची बैठरे करेक्ट आंसर। तो 1856 मसीह रे विडो रिमैरिज एक्ट माने विधवा पुनर्विवाह आईन, तो यह लीगलाइज होइथिला, आउ यह कहा उद्यम रे होइथिला, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उद्यम, तो एथिरु दुईटी क्वेश्चन आसी परबो, तो क्यों वर्ष विडो रिमैरिज एक्ट लीगलाइज होइथिला, तो 1856 मसीह रे, एवं कहार उद्यम रे ईश्वर चंद्र विद्यासागर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सिमला मेड द समर कैपिटल। तेबे क्यों गवर्नर जनरल को समय रे सिमला को समर कैपिटल करा जाय थिला, तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड डेलहाउसी। तो लॉर्ड डेलहाउसी को समय रे सिमला को समर कैपिटल करा जाय थिला, आ ए लॉर्ड डेलहाउसी जे कि इंडिया रे प्रथमे रेलवे ओपन करथिले। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम वाज रिटन बाय डैश। तेबे आमर जातीय गीत वंदे मातरम को किए लिखी थिले, तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम रो लेखक होउछंती बंकिम चंद्र चटर्जी। तेबे से केबे लिखी थिले, तो से लिखी थिले 1875 मसीहा नवंबर 7 तारीख रे। तेबे से 1875 मसीहा नवंबर 7 तारीख रे लिखी थिले वंदे मातरम, किए लिखी थिले बंकिम चंद्र चटर्जी। आउ वंदे मातरम होउछि इंडिया रो नेशनल सॉन्ग। आउ देखंतु वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ऑन 7 नवंबर 1875 ओरिजिनली इन बंगाल एंड संस्कृत लैंग्वेज टू प्रेज द मदर ऑफ मदर इंडिया। इन फैक्ट वंदे मातरम इज ए पोएम। बंकिम चंद्र चटर्जी रोड वंदे मातरम अट चिंसुरा नियर द हुगली रिवर नियर मल्लिक घाट। तेबे वंदे मातरम यह होची इंडिया रो नेशनल सॉन्ग, आउ यह 7 नवंबर 1875 मसीह रे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखी थिले। तो यह क्यों भाषा रे प्रथमे लिखी थिले, तो बंगाली एवं संस्कृत लैंग्वेज रे, आउ यह होची गोटिए पोएम।
आउ एहाकु से केउठारे लेखिथिले तो एहाकु से हुगुली नदी कूलरे चिनसुरा ठारे से एहाकु लेखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच बंगाली फिक्शनल नोवेल वंदे मातरम सॉन्ग वाज पब्लिश इन 1882। तेबे केउ नोवेल रे वंदे मातरम को 1882 मसीह रे पब्लिश करा जायतिला। तेबे से फिक्शनल नोवेल बा उपन्यास हेउछि आनंदमठ। तेबे आनंदमठ उपन्यास रे वंदे मातरम को पब्लिश करा जायतिला केबे 1882 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे मातरम वाज सुंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896 बाय रवींद्रनाथ टैगोर एट द टेस। तेबे वंदे मातरम को प्रथम थर केबे गान करा जायतिला तो 1896 मसीह रे कहा द्वारा रवींद्रनाथ टैगोर। तेबे 1896 मसीह रे रवींद्रनाथ टैगोर प्रथम थर पई वंदे मातरम को गान करथिले। तेबे यह से केउठारे गान करथिले तो यह को से कलकत्ता कांग्रेस सेशन बा कलकत्ता अधिवेशन रे यह को से गान करथिले तो ऑप्शन बी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे वंदे मातरम सॉन्ग टिकु रवींद्रनाथ टैगोर 1896 मसीह रे कलकत्ता कांग्रेस सेशन रे प्रथम थर गान करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन डैश। तेबे नेताजी सुभाष चंद्र बोस केबे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले तो से 1939 रे गठन करथिले तो ऑप्शन डी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे 1939 मसीह रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस बिकम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन डेथ। तेबे सुभाष चंद्र बोस केबे इंडियन नेशनल आर्मी रो सुप्रीम कमांडर होइथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होइछि ऑप्शन सी 1943। तेबे 1943 मसीह रे सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी रो सुप्रीम कमांडर होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर बैटल ऑफ पलासी वाज हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिराज उ दौला। तेबे केउ वर्ष बैटल ऑफ पलासी बा पलासी युद्ध होइथिला कहा समय रे सिराज उ दौला तो यह होइथिला सिराज उ दौला एवं क्लाइव को मध्य रे तो यह केबे होइथिला तो यह होइथिला 1757 मसीह रे तो ऑप्शन 1 होइ जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो 1757 मसीह रे पलासी युद्ध होइथिला आउ यह केउठारे होइथिला तो यह होइथिला बंगर हुगुली नदी कूलरे तो बंगर हुगुली नदी कूलरे पलासी नामक स्थान रे यह होइथिला तो सेति पई यह को पलासी युद्ध बोली कहा जाइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिराज उ दौला। तेबे केउ वर्ष ब्लैक होल ट्रेजेडी होइथिला कहा समय रे सिराज उ दौलांको पीरियड रे तो ब्लैक होल ट्रेजेडी माने कौन तो यह अंधकूप हत्या बोली कहा जाए तो ये सिराज उ दौला 146 जन इंग्रेज मान को गोटे अंधकार कोठरी रखिदी जहाँफल कि श्वासरुद्ध हो 123 जन मृत्युवरण करते तो यह ब्लैक होल ट्रेजेडी अंधकूप हत्या बोली कहा जाए तो यह केबे होइथिला तो यह होइथिला 1756 मसीह तो ऑप्शन 1 हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी केबे होइथिला 1756 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट। तेबे केउ वर्ष बक्सर युद्ध होइथिला तो यह होइथिला 1764 मसीह तो ऑप्शन 2 हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे 1764 मसीह बक्सर युद्ध होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नर ऑफ बंगाल सिस्टम। तेबे ड्यूअल गवर्नर ऑफ बंगाल सिस्टम माने बंगरे द्वैत शासन क्यों गवर्नर इंट्रोड्यूस करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी होइबो रॉबर्ट क्लाइव।
तेबे रॉबर्ट क्लाइव बंगरे ड्यूअल गवर्नर सिस्टम बा द्वैत शासन प्रचलन करथिले। तो ही ड्यूअल गवर्नर सिस्टम बा द्वैत शासन रे बंगर शासन व्यवस्था को दुई भाग रे विभक्त करा जायथिला। तो गोटे भाग कंपनी हाथ रे थिला एवं गोटे भाग सही राजा को हाथ रे रहिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए थिले, तो से होती वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स होती बंगाल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम गांधीजी गेव द टाइटल दीनबंधु। तेबे गांधीजी कहा को दीनबंधु टाइटल टी दे थिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होची सीएफ आंड्रयूज। तेबे सीएफ आंड्रयूज को गांधीजी दीनबंधु टाइटल टी दे थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 12 मार्च 1930 दांडी मार्च और सर सत्याग्रह स्टार्ट फ्रॉम डेस्क। तेबे 1930 मसीहा मार्च 12 तारीख रे दांडी मार्च बा सल सत्याग्रह क्यों स्थान रु स्टार्ट होइथिला। तो दांडी मार्च बा दांडी यात्रा, तो गांधीजी क्यों स्थान रु स्टार्ट करथिले, तो यह साबरमती आश्रम रु स्टार्ट होइथिला। तो गुजरात रो साबरमती आश्रम रु स्टार्ट होइथिला दांडी मार्च बा दांडी यात्रा। तो यह क्यों समय होइथिला, तो आईन अमान्य आंदोलन समय। तो 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा आरंभ होइथिला साबरमती आश्रम रु, आउ से माने दांडी रे पहुंची थिले केबे, तो 6 एप्रिल 1930 रे से माने दांडी रे पहुंची थिले एवं सेटारे लुण मारी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु एंड कान्हू वेर द लीडर ऑफ द डेस। तो सिंधु एवं कान्हू, तो सिंधु मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू, तो सेमाने दुई जन होती ट्राइबल ब्रदर। तो सेमाने क्यों रिबेलियन रो लीडर थिले, तो यार करेक्ट आंसर टी होची सांताली रिबेलियन। तो सांताल रिबेलियन रो लीडर थिले सिंधु मुर्मू एवं कान्हू मुर्मू। तो यह केबे होइथिला, तो यह होइथिला 30 जून 1855 रु 3 जनवरी 1856 पर्यंत यह होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड आज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। तो कहा को कहा जाय थाय द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। तो मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाय थाय मादामे भिकाजी कामांकू। तो ऑप्शन ए हो जीव एठारे करेक्ट आंसर। तो मादामे भिकाजी कामांकू कहा जाय थाय द मर्डर सॉरी द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वाज डेस। तो बंगाल रो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कोटा, तो यह होची अनुशीलन समिति। तो ऑप्शन बी हो जीव एठारे करेक्ट आंसर। तबे बंगाल रो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होची अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति रो फाउंडर किए थिले, तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए सतीश चंद्र बसु। तो अनुशीलन समिति रो फाउंडर होउछंती सतीश चंद्र बसु, आ यह केबे फाउंड होइथिला, तो यह होइथिला 1902 रे। तो 1902 रे फाउंड होइथिला अनुशीलन समिति, आउ यार फाउंडर थिले सतीश चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काकोरी कॉन्स्पिरेंसी टुक प्लेस इन द ईयर डेस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेंसी केबे होइथिला, तो यह होइथिला 1925 रे। तो ऑप्शन डी हो जीव एठारे करेक्ट आंसर। तो 1925 रे होइथिला काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज वाज एस्टाब्लिश एट कलकत्ता इन डैश। तेबे हिंदू कॉलेज केबे एस्टाब्लिश होइथिला, तो कलकत्ता रे हिंदू कॉलेज केबे एस्टाब्लिश होइथिला,
तो यह होता 1817 तो 1817 मसीह होता हिंदू कॉलेज तो 1817 मसीहा 20 जनवरी कोलकाता रे हिंदू कॉलेज एस्टाब्लिश होता आ वर्तमान रो नाम हो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तो यह एबे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोली कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टाब्लिश हिंदू कॉलेज अल्ट कलकत्ता इन 1870 तो 1817 मसीह किए कलकत्तार हिंदू कॉलेज एस्टाब्लिश करते तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन बी राजा राममोहन राय तेबे राजा राममोहन राय एस्टाब्लिश करते हिंदू कॉलेज केउठार कलकत्तार आउ केबे करते 1817 मसीह आउ यार वर्तमान नाम हो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल इन महाराष्ट्र तेबे महाराष्ट्र रे किए गणेश फेस्टिवल स्टार्ट करथिल तो यार करेक्ट आंसर टी होइछि ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक तेबे बाल गंगाधर तिलक प्रथम स्टार्ट करथिले गणेश फेस्टिवल के स्थान रे महाराष्ट्र रे तो गणेश फेस्टिवल जहाँ कि गणेश पूजक व गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होता है तो यह बाल गंगाधर तिलक प्रथम स्टार्ट करथिले क्यों स्थान रे महाराष्ट्र रे आ यह केबे करथिले तो 1893 रे तो 1893 मसीह रे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र रे गणेश फेस्टिवल स्टार्ट करथिले तो वीडियो टी हेल्पफुल लगे निश्चय यह गोटे लाइक कर देबे आ चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट कर दिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु आ एठारे फायरमैन पे डेली क्लास करा जाउची तो जदि आपण माने देखि नाहंती तेबे निश्चय देखि नेबे।